नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में शनिवार की रात तबादले वाली रात रही। बड़ा फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। जहां एक तरफ 13 जिलों के डीएम का तबादला हुआ है, तो वहीं बात अगर हम करें तो कई ऐसे एसपी हैं जिनका तबादला किया गया है, और साथ ही साथ आईपीएस अधिकारियों को कई बड़े जिम्मेदारी भी दी गई है। तो बड़ा फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, जहां रातों रात बिहार में बड़ा फेर बदल किया गया है। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं कि आखिर 13 जिलों के डीएम के तबादले के बाद एसपी के तबादले में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, और साथ ही साथ बिहार के आईपीएस को अब क्या कुछ नई जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सौंपी गई है। इसी कड़ी में बात अगर हम करें तो नीतीश कुमार ने 7 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार पुलिस अकादमी ने सहायक निर्देशक हिमांशु शंकर त्रिवेदी को अरवल का एसपी बनाया है, तो वहीं नवादा के एसपी सुश्री सावला राम को वेटिंग फॉर पोस्टिंग रखा गया है। वहीं बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता को बिहार पुलिस अकादमी राजगीर का सहायक निर्देशक बनाया गया है। इसके साथ ही मधुबनी एसपी सत्य प्रकाश को पुलिस अधीक्षक बांका, अरवल के पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार एक को समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी पटना, साथ ही गृह रक्षा वाहिनी के समादेष्टा डॉक्टर गौरव बंगला को नवादा का एसपी बनाया गया है। बात करें तो पुलिस अधीक्षक लखीसराय सुशील कुमार को पुलिस अधीक्षक मधुबनी बनाया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई पंकज कुमार को पुलिस अधीक्षक लखीसराय के पद पर पदस्थापित किया गया है। तो बड़ा फेर बदलाव किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, जहां पे 7 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है, और इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए ये बदलाव शनिवार की रात को किया है। ऐसे में बता दें कि हालांकि इसके पीछे मकसद क्या है, आखिर क्यों ये बड़े फेर बदलाव शनिवार के रातों रात किए गए हैं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन बात करें तो 13 जिलों के डीएम के भी तबादले किए गए हैं, और साथ ही साथ कई अन्य अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है वो भी बदल दी गई है। ऐसे में आगे भी इस खबर से जुड़ी हुई क्या कुछ अपडेट सामने आएगी, ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बात करें तो इस वक्त ये बड़ा फेर बदलाव है बिहार में, जहां पे रातों रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बड़ा कदम उठाते हुए बिहार पुलिस में ये बदलाव किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।